नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर राजधानी पटना से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की वीआईपी ट्रीटमेंट जो एयरपोर्ट पर मिलती थी उसको छीन ली गई है। यानी केंद्र सरकार ने पटना एयरपोर्ट पर जो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, यानी जो वीआईपी गेट से स्पेशल गेट से जो एंट्री होती थी और जो बाहर निकलते थे उसको वापस ले लिया है। यानी अब वे सामान्य यात्री की तरह पटना एयरपोर्ट पर आएंगे और जाएंगे। इसके पहले एक सप्ताह पहले पटना के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से भी यह सुविधा वापस ले ली गई थी, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला ही बोला था। आज जब रामविलास पासवान दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वे सामान्य यात्री की तरह सामान्य गेट से जब एंट्री किए, मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा कि आपको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था तो फिर सामान्य गेट से क्यों जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया और कहा कि अभी वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इस पर स्पष्ट नहीं बोले, लेकिन वीआईपी जब सामान्य गेट से जब उन्होंने एंट्री की तो यह माना गया कि उनकी सेवा जो है, जो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था एयरपोर्ट की तरफ से, उसको वापस ले लिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने अभी यह जानकारी नहीं दी है, लेकिन जब सामान्य गेट से रामविलास पासवान एंट्री किए पटना एयरपोर्ट पर तो यह इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब वे वीआईपी ट्रीटमेंट के हकदार नहीं रहे हैं। पिछले साल भी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की भी सेवा को वापस ले लिया गया था, उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। राबड़ी देवी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। तो लगातार बिहार के कई नेताओं से वीआईपी ट्रीटमेंट को वापस लिया गया है। इसी कड़ी में आज रामविलास पासवान जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनका ट्रीटमेंट को वापस लिया गया, यानी वे अभी सामान्य यात्री की तरह एयरपोर्ट पर यात्रा करेंगे।